अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल शौकत एंड वेलकम टू माय चैनल कोर्स प्रो। आज की वीडियो में बात करेंगे द मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक के बारे में, वेयर शुड वी गो फॉर स्टडी इन यूके, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। क्योंकि हर बंदा इसको कंपेयर करने की कोशिश करता है कि मैं स्कॉटलैंड क्यों जाऊँ और इंग्लैंड क्यों ना जाऊँ, इंग्लैंड क्यों जाऊँ, स्कॉटलैंड क्यों ना जाऊँ। इसमें मैं वेल्स को भी ऐड करना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग वेल्स भी जाना चाहते हैं, उन्हें इतना नहीं पता। वेल्स द थर्ड मोस्ट पॉपुलस रीजन इन यूके, और उसके अलावा नॉर्दर्न आइलैंड भी है, लेकिन नॉर्दर्न आइलैंड लोग नहीं जाना चाहते क्योंकि वो टेरिटोरियल थोड़ा सा मसला भी है कि वो आपको ऑब्वियसली ट्रैवल करने के लिए आप बाय रोड नहीं जा सकते, आपको फेरी लेनी पड़ती है जब बाय एयर जाते हैं। सो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन स्कॉटलैंड को और मेनली इंग्लैंड को हम कंपेयर करेंगे कि आपको कौन सा चूज करना चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसिस आपका डिसीजन हम आसान करेंगे आज की इस वीडियो में, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। सो व्यू अभी स्टार्ट करते हैं इसको कंपेयर करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। अच्छा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज दैट कि ट्रेडिशनली क्या था कि जो स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटीज थी वो 4 साल का बैचलर ऑनर्स ऑफर करती थी और इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज 3 साल का बैचलर ऑनर्स ऑफर करती थी, लेकिन दोनों ने आपस को क्योंकि कंपटीशन था तो उन्होंने अभी स्कॉटलैंड ने अपनी ड्यूरेशन कम की है और इंग्लैंड ने अपनी ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ाई है, उसमें सैंडविच ईयर डाल के या प्लेसमेंट ईयर ऐड करके। सो वो भी अभी अभी 3.5 ईयर्स का ही कोर्स बनता है, लेकिन अगेन हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट स्टैंडर्ड है तो आपको चेक करना पड़ता है। अभी वैसा नहीं है, अभी स्कॉटलैंड में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो 4 ईयर का बैचलर नहीं बल्कि 3 ईयर्स का बैचलर ऑनर्स ऑफर करती हैं, लेकिन अगेन कुछ कोर्सेज अभी भी 4 साल के बैचलर ऑनर्स हैं, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करती हैं 4 साल के। सो ये एक मेजर डिफरेंस था बिटवीन द यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड एंड यूनिवर्सिटी ऑफ स्कॉटलैंड। अच्छा, बात करें कॉस्ट की तो कॉस्ट इतनी डिफरेंट नहीं है जितनी लोग सोचते हैं, बल्कि लॉन्गर रन में आपको कुछ फायदा होता है स्कॉटलैंड का, क्योंकि स्कॉटलैंड में अकोमोडेशन सस्ती है, फीसिस कंपैरेटिवली इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी से ज्यादा है। सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज हैं विच आर एक्सेप्शनल, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट स्कॉटलैंड विच इज रीजनेबल, उसके अलावा जो ग्लासगो कैलिडोनियन है दैट इज वेरी रीजनेबल। एक अदर बेनिफिट कॉस्ट के अलावा जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा दैट इज के स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी की, स्कॉटलैंड की 80% और 70% यूनिवर्सिटीज, मेरा अपना डाटा मैंने खुद ही फिगर बना के आपको पेश कर रहा हूँ कि 70% यूनिवर्सिटीज जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे आपको एक्सेप्ट कर लेंगी फॉर द बैचलर्स, फॉर द मास्टर्स, मे बी फॉर द फाउंडेशन ईयर एज वेल, लेकिन आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे एक्सेप्ट कर लेते हैं इंडियन स्टूडेंट्स को भी, बांग्लादेशीज को भी और पाकिस्तानीज को भी। सो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको एडिनबर्ग नेपियर होगी, स्टर्लिंग होगी, ग्लासगो कैलिडोनियन होगी, हेरिट वार्ड होगी, आपको इस तरह की यूनिवर्सिटी अच्छी क्रेडिबल यूनिवर्सिटीज आपको विदाउट इंग्लिश टेस्ट आपको एक्सेप्ट कर लेती हैं। सो ये एक अच्छी बात है, बाकी इंग्लैंड की भी करती हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे नहीं करेंगी, लेकिन इफ़ यू कंपेयर द नंबर्स तो आपको स्कॉटलैंड में ज़्यादा यूनिवर्सिटीज मिलेंगी जो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे एक्सेप्ट कर लेंगी। अच्छा, अगर हम लोकेशन को कंपेयर करें तो स्कॉटलैंड इतनी चार्मिंग लोकेशन नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, उसकी वजह है कि उसमें ज़्यादा सर्द मौसम है और ऑब्वियसली सर्द मौसम में जॉब अपॉर्चुनिटीज उस तरह से ज़्यादा नहीं होती। इंग्लैंड में भी मौसम ठंडा ही है, सर्द ही होता है फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर, लेकिन उसमें बिजनेस एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं। स्कॉटलैंड इज़ अ कूल एंड काम प्लेस, लोगों के लिए ज़्यादातर वो एक टूरिस्ट प्लेस है, सो एज सच कोई बिजनेस एक्टिविटी उस तरह से जनरेट नहीं होती एज कम्पेयर टू लंडन, चूँकि सारे बिजनेसेस, सारे हेड ऑफिसेस वो लंडन में बेस करते हैं। सो अगर आप कोई बिजनेस का कोर्स कर रहे हैं या बिजनेस में आगे फ्यूचर देखते हैं अपने आप को बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर, तो वो आपके लिए फिर लंडन ही राइट प्लेस है, उसमें फिर आपको स्कॉटलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आई एम नॉट सेइंग कि स्कॉटलैंड में या एडिनबर्ग में बिजनेस नहीं होता, ऑब्वियसली वहाँ पे 2 मेजर एयरपोर्ट्स हैं और सारी ट्रेडिंग वहाँ से होती है, पूरा स्कॉटलैंड वहाँ से रन होता है, इवन कि नॉर्दर्न आयरलैंड की ट्रेडिंग भी वहीं से होती है। सो ये एक आप इसको ये ना समझें कि बिल्कुल ही वो जंगल है, बियाबान है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगेन लंदन की, चूंकि लंदन इंग्लैंड को सोचते ही लंदन वर्ड आता है, यूके का कैपिटल इज लंदन, सो स्टूडेंट्स को चार्म होता है कि हम लंदन जाके पढ़ें, एक लव से बड़ा चार्मिंग सा है लंदन, तो लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम वहाँ जाके पढ़ें, जो कि स्कॉटलैंड से काफ़ी दूर है। आप स्कॉटलैंड अगर जाएंगे वहाँ बेस करेंगे तो आपके लिए लंदन ट्रैवल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, मोस्ट ऑफ लोग तो बाय एयर ट्रैवल करते हैं, बाय ट्रेन या बाय कार तो करते भी नहीं है। सो डिस्टेंस इज रियली मैटर, कि आपके लिए डिस्टेंस क्या मैटर करता है। अगर आप स्कॉटलैंड जा रहे हैं तो आप उन्हीं कुछ एरियाज के लिए बाउंड हो जाते हैं, आपके लिए मेन लैंड तक, मेन इंग्लैंड तक आने में काफ़ी टाइम लगता है। सो ये एक डिफरेंस है अगर आप उसको स्कॉटलैंड को चूज़ करते हैं तो। अनदर क्वेश्चन जो लोगों को थोड़ा सा पजल करता है, लोग समझते हैं कि हम स्कॉटलैंड जाएंगे तो हमारे हमें लॉ का इतना पता नहीं होगा, ये हमारे लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होंगे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए या NI नंबर के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंग्लैंड में भी वही ड्राइविंग जो लाइसेंस आपको यूके का मिलता है बेसिकली, इंग्लैंड का नहीं मिलता, सो वो वही लाइसेंस आपको स्कॉटलैंड में भी चलेगा। अगर आप स्कॉटलैंड से, आपकी करेंसी है आपके पास स्कॉटलैंड की, तो वो यूके में भी चल जाती है, पूरे यूके में, इंग्लैंड में भी, वेल्स में भी और नॉर्दर्न आयरलैंड में भी। सो दिस इज़ हाउ द सिस्टम वर्क्स, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी किस्म की भी, जो आपको जो चीज़ें आपके पास लंदन में वैल्यू रखती हैं वही आपके स्कॉटलैंड में वैल्यू रखेंगी, इंग्लैंड में वैल्यू रखेंगी।
किसी किस्म की डिफरेंशिएशन नहीं है, ना करेंसी में डिफरेंशिएशन है, ना किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में डिफरेंशिएशन है। एक बात के चांसेस हैं जिस पे स्कॉटिश बहुत जोर लगाते हैं, दैट इज़ द इंडिपेंडेंस। अगर आप स्कॉटलैंड की टेरिटरी में रह रहे हैं और कल को स्कॉटलैंड एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर सामने आता है, तो फिर आपकी लीगल जो है वो जो स्टैंडिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। आप इंग्लैंड में रहते हैं तो इंग्लैंड ऑब्वियसली वो तो इंग्लैंड है ही है, उसने तो चेंज नहीं होना। लेकिन स्कॉटलैंड अगर एक अलग कंट्री बनती है तो उसकी इमिग्रेशन पॉलिसीज विल बी डिफरेंट देन इंग्लैंड देन होल यूके। सो ये आपने ध्यान रखना है कि अगर स्कॉटलैंड जा रहे हैं तो दिस कैन हैपन एनी डे। पॉलिटिक्स ऐसी है कि स्कॉटिश अपनी लिबरेशन के लिए बहुत अहमियत रख मतलब तो बहुत जोर लगाते हैं, बहुत उस पर फोकस रहते हैं कि हम किसी तरीके से यूके से हम सेपरेट हो सकें। सो दिस विल बी द कॉन्सिक्वेंसिस अगर आप स्कॉटलैंड जाते हैं तो। अनदर थिंग जो आपको स्कॉटिश यूनिवर्सिटीज़ में मिलेगी, दैट इज़ मल्टी कल्चरल सोसाइटी, मोर एक्सेप्टेंस फ्रॉम द स्कॉटिश नेशनल्स। आपको एक्सेप्टेंस ज़्यादा फील होगी। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज़ में आपको थोड़ा बहुत अबाउट से रेसिज्म, क्योंकि मेरे साथ कभी हुआ नहीं है तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन आपको शायद फील होगी थोड़ी बहुत। लेकिन इट्स नॉट दैट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, लेकिन कुछ जगह पे आपको डिस्क्रिमिनेशन फील होती है इंग्लैंड यूनिवर्सिटीज़ में। स्कॉटिश यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेंस का फैक्टर है जो आपको ज़्यादा फील होगा। दैट इज़ रिलेटेड टू योर ऑब्जर्वेशन कि आप उसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स में भी पढ़ा है, कि ऐसा ही लोगों की राय भी है कि स्कॉटिश जो है वो ज़्यादा एक्सेप्टेंस रखते हैं। ऑब्वियसली फिर वो चीज़ उनकी यूनिवर्सिटीज़ में रिफ्लेक्ट होती है, और ऐसा इंग्लैंड में ज़्यादा रेसिज्म का कुछ सिलसिला होता है, तो लोग ज़्यादा डिसहार्ट होते हैं इंग्लैंड से। सो ये बेसिकली कंपैरिजन था। सो व्यूज, ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको ये कंपैरिजन काफ़ी पसंद आया होगा, आपको समझ आई होगी कि क्या डिफरेंस है और क्या डिफरेंस नहीं है, क्या चीज़ कॉमन है। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको टाइमली जवाब दे सकूं। मुझे इंस्टा फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पर भी ऐड कर सकते हैं, जिस चैनल से भी चाहें मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।